गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। यस, गुड इवनिंग टू ऑल। बेटा जिसका भी प्रॉपर रोल नंबर और नाम नहीं होगा मैं उनको रिमूव कर दूंगा। हु इज दिस 46 राज ओम? आई डोंट नो, आई विल रिमूव। ध्वनि निखिल लोकन। बेटा आपका रोल नंबर प्रॉपर नहीं होगा और रोल नंबर शुड बी इन फॉर्मेट ओम। आपने ये कौन से फॉर्मेट में रोल नंबर लिखा है? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। ओके बेटा, नाउ अलाउ लेट अस स्टार्ट। बेटा वो फर्स्ट पेज ओपन करना ना, मैंने जहां पर आपको फॉर्मूलास लिखवाए हैं। मैंने कौन से फॉर्मूलास लिखवाए मुझे बताओ तो। दो ही लिखवाए ना शायद, सेक्शन फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला, डिस्टेंस। ओके ठीक है। अब एक काम करो, अब लिखो मिड पॉइंट फॉर्मूला। अब मिड पॉइंट के लिए ना एक काम करना, एक लाइन ड्रॉ करना तो आपको ज्यादा पता चले। जैसे सपोज मान लो ये एक लाइन है, या दिस इज वन लाइन, पॉइंट ए पॉइंट बी और सी उसका मिड पॉइंट है। अब हेडिंग क्या लिखना? मिड पॉइंट फॉर्मूला। ये एक्स वन वाई वन, दिस इज एक्स टू वाई टू और ये एक्स वाई। तो यहां पर एक्स इज इक्वल टू, जैसे उसमें मैंने आपको बताया था वो एम एक्स टू प्लस एम एक्स वन, बट इसमें ऐसा नहीं करना। सीधा सीधा एक्स वन प्लस एक्स टू डिवाइडेड बाई टू, तो ये एक्स का वैल्यू आ जाएगा। और फिर सपोज वाई का वैल्यू फाइंड करना, सो वाई वन प्लस वाई टू डिवाइडेड बाई टू लिख दो। सर ये फॉर्मूला है? यस सर। ये तो क्या है पता नहीं, तो ये क्या है? तो फॉर्मूला नहीं है तो क्या है? क्या लिखा है मिड पॉइंट फॉर्मूला? कुछ भी क्वेश्चन पूछते हो। हो गया सर। डन बेटा सबका? यस सर। ओके। यस सर। यस सर। कहाँ चले गए? एक मिनट ना बेटा, ये कहाँ? हाँ यहाँ।
यस देखो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट 4-1 and -2-3. ट्राइसेक्शन मतलब होता है एक ही लाइन के तीन पार्ट, तीन इक्वल पार्ट्स। जैसे बाइसेक्शन मतलब क्या होता है, एक ही लाइन के दो इक्वल पार्ट्स। देखो मैं एक लाइन बनाता हूं, ध्यान से देखना। अरे ये तो कुछ और ही बन गया। देखो ये एक लाइन है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग। अब ये जो लाइन सेगमेंट है उसके दो एंड्स है, ये ए एंड दिस इज बी। इसके कोऑर्डिनेट्स है 4-1, -2-3। तो यहां मैं कंसीडर कर लेता हूं 4-1 और यहां कंसीडर कर लेता हूं -2-3। फाइंड द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन मतलब एक ही लाइन के तीन इक्वल पार्ट्स। तो देखो यहां पर मैं So, देखो अगर दो पॉइंट्स में यहां पर लिख दूं तो ये तीन इक्वल पार्ट्स हो गए। कौन से एसी सीडी और बीडी, दिख रहे तीन पार्ट्स आपको, एसी सीडी बीडी? यस सर। ओके अब ये तीनों इक्वल पार्ट है बराबर। यस सर। अब सुनो मैं जो समझा रहा हूं वो ध्यान से सुनना। जैसे मैंने आपको ऐसा समझाया था कि वो कोई पर्टिकुलर पॉइंट सर्टेन रेशियो में अगर डिवाइड कर दे। अब मैं पॉइंट डी की बात करूं तो वो पूरे लाइन ए बी को मैं ऐसा बोल सकता हूं कि 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। ये यहां पर 2 और ये 1, देख लो पता चला। यस सर। ये जो लिख रहा हूं वो लिखना नहीं, मुझे समझा रहा। मैं ऐसा बोल सकता हूं डी पॉइंट डी डिवाइड्स सेगमेंट ए बी इन द रेशियो ऑफ 2:1। यहां तक पता चला सबको? यस सर। सर क्या बोलो? हाँ सर ये ना 2:1 कैसे आया वो समझाओ ना फिर से। देखो बेटा ये तीन इक्वल पार्ट है एसी, देखो ये तीन इक्वल पार्ट है एसी सीडी और बीडी, तीन इक्वल पार्ट है देख लो। यस सर। अब ये जो डी है उसके इस साइड दो पार्ट से देख लो, सीडी और एसी, और इस साइड एक पार्ट है। यस। तीन इक्वल लाइंस हुई तो यहां पर दो लाइन और वहां पर वन लाइन, तो 2:1 हुआ ना। ओके ओके हाँ आके आके आके। अब लिसन मैं ऐसा बोल सकता हूं कि पॉइंट डी डिवाइड्स सेगमेंट ए बी इन द रेशियो ऑफ 2:1। सो देखो मैं यहां लिखता हूं, आप लोग भी लिखना अभी। नाउ पॉइंट डी डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो ऑफ 2:1। तो देखो ये हो जाएगा x1 y1, दिस वुड बी x2 y2। इसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो मैं समझ लू xy, और ये अपना m1 और ये m2। देख लो पता चला सबको? Yes. Yes. So now, yes. Coordinates of D. हमें दो चीज के coordinates find करने हैं, तो C और D. पहले D के find कर लेते हैं, क्योंकि C और D तीन equal parts में line को पूरा divide कर देते हैं। तो इसका X का coordinate, तो वो वाला formula. M1 X2
प्लस एम टू एक्स वन डिवाइडेड बाय एक्स वन एम वन प्लस एम टू। एक मिनट बेटा, ये भोंपुरू किसका बज रहा है? ओके, सो बेटा मैं सॉल्व करना स्टार्ट करता हूं। m1 x2, सो m1 का वैल्यू 2 है और x2 का वैल्यू कितना है देखो, माइनस 3, सॉरी माइनस 2, सो 2 इंटू माइनस 2 माइनस 4 प्लस m2 x1, m2 1 और x1 इज 4 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, 2 प्लस 1 3, तो बोलो इसका आंसर जीरो आएगा, देख लो। यस सर। अब सिमिलरली ऐसा वाई का वैल्यू फाइंड कर लेता हूं। सो वाई इज इक्वल टू एम एम वन वाई टू प्लस एम टू वाई वन डिवाइडेड बाय एम वन प्लस एम टू एम वन वाई टू। एम वन इज व्हाट, टू, वाई टू इज व्हाट, माइनस थ्री, टू इंटू माइनस थ्री माइनस सिक्स प्लस एम टू वाई वन, एम टू वाई वन तो वन इंटू माइनस वन क्या हो जाएगा, माइनस माइनस वन माइनस वन। सो देखो माइनस वन माइनस माइनस सिक्स माइनस वन तो ये माइनस सेवन बाय थ्री आएगा, देखो सेवन, पता चला बेटा? यस 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 सर। सो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी आर जीरो माइनस सेवन थ्री, यहां तक क्लियर सबको? यस यस। नाउ लिसन, अभी मुझे कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं सी। तो देखो मैं ऐसा बोल सकता हूं सी इज अ मिड पॉइंट ऑफ, सी इज अ मिड पॉइंट ऑफ एडी। टेल मी, सी इज अ मिड पॉइंट ऑफ एडी, इज इट राइट और नॉट? यस यस। देखो C के लेफ्ट हैंड साइड 1 जितना पार्ट है और राइट हैंड साइड भी 1 जितना पार्ट है, तो अगर मैं ऐसा लिखूं C इज अ मिड पॉइंट ऑफ AD, नीचे लिखता हूं मैं, और अभी अगर मुझे C के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं एंड बिकॉज़ C उसका मिड पॉइंट है, तो अभी मैं वो वाला फॉर्मूला अप्लाई करूंगा जो मैंने अभी लिखा है आपको, मिड पॉइंट फॉर्मूला। पता चला मिड पॉइंट का फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूं कि नहीं? यस सर, कर सकते हैं। डी के लिए नहीं कर सकता था मैं, क्यों? बिकॉज डी मिड पॉइंट नहीं था। यस सर। सर बोलो। सर तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि C divides AB into 1 is to 2 ratio, कर सकते हैं, बट वो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, उससे बेटर मिड पॉइंट फॉर्मूला इजी हो जाएगा, वो कर सकते हो आप, लेकिन उसमें थोड़ा लेंदी हो जाएगा बेटा, राइट? ओके ओके। अब सुनो, जस्ट ऐसे ही पूछा था। या अब जब हम C का कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे तो इसको मैं ले लूंगा x1 y1 और ये हमारे लिए हो जाएंगे D के मिड पॉइंट्स x2 y2,
ध्यान से सुनो, जब मैं सी का सोचूंगा तो ए के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे एक्स वन वाई वन और वो डी के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे एक्स टू वाई टू। तो सी कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी, तो उसका एक्स का कोऑर्डिनेट मैंने अभी आपको मिड पॉइंट फॉर्मूला बताया, एक्स वन प्लस एक्स टू डिवाइडेड बाय टू। अब एक्स वन किसको लूंगा, देखो फिगर में देख के बताओ, व्हाट इज एक्स वन एंड व्हाट इज एक्स टू, टेल मी। एक्स वन इक्वल टू फोर, एक्स टू इक्वल टू जीरो, जीरो, एक्स टू इक्वल टू जीरो और एक्स टू हो जाएगा जीरो। सो फोर प्लस टू, तो इसका आंसर क्या आएगा, टू। किसी को डाउट है बेटा इसमें कुछ भी? नो सर। अब सेम वाई, सो वाई वन प्लस वाई टू डिवाइडेड बाय टू। अब मुझे फिगर में देख के बताओ कि क्या वाई वन होगा और क्या वाई टू होगा। वाई वन इक्वल टू माइनस वन, वाई वन इक्वल टू माइनस वन माइनस सेवन बाय थ्री। वेरी गुड, वाई वन इज इक्वल टू माइनस वन और वाई टू इज इक्वल टू माइनस सेवन बाय थ्री। अब देखो माइनस वन ये ऐसे हो जाएगा, मैं सॉल्व करता जाता हूं आगे तक, अब लिखते जाना, अब नीचे नीचे लिखना, थ्री इंटू माइनस वन माइनस थ्री, माइनस थ्री माइनस टेन बाय थ्री। लिसन, बीच में मैं पूछू कोई बेटा कोई भी नहीं बोलो, मैं पूछू आपको तो ही आंसर देना। थ्री इंटू माइनस वन माइनस फोर एंड माइनस सेवन हो जाएगा माइनस इलेवन। थ्री नीचे चला जाएगा सर, थ्री इंटू माइनस वन माइनस माइनस टेन आएगा ना, माइनस टेन सर, माइनस टेन आएगा। अब देखो माइनस टेन और नीचे थ्री चला जाएगा, थ्री टू सा सिक्स, सो माइनस टेन बाय सिक्स, इसको रिड्यूस कर दूंगा तो हो जाएगा माइनस फाइव बाय थ्री। ये देख लो बेटा कैलकुलेशन, डाउट हो तो पूछो मुझे। हो गया सर, डन सबका बेटा? यस सर, यस यस। अब लास्ट में हमको फाइनल आंसर लिखना है, कैसे देखो समझाता हूं। ये इतना भर गया, एक बेटा बेटा देखो फाइनल आंसर में कैसा लिखना है। हेंस कोऑर्डिनेट्स of points which, क्या था क्वेश्चन में एग्जैक्टली, which divides in trisection, क्या लिखा हुआ था which trisection, trisects the line, coordinates of coordinates of the points of trisection of the line segment points, एक मिनट है बेटा, coordinates of points of ट्राइसेक्शन। सो पहले हमने लाइन सेगमेंट सी और डी के पॉइंट फाइंड किए थे ब्रो, सी और डी का हमने क्या कोऑर्डिनेट्स फाइंड किया था, सी का क्या फाइंड किया था, सी का है 2 कॉमा माइनस 5 बाय 3, 2 कॉमा माइनस 5 बाय 3 और डी के 0 कॉमा माइनस 7 बाय 3। So, ये हमारा फाइनल आंसर लिख दो बेटा। एनी डाउट इन दिस? नो सर, नहीं। श्योर? यस श्योर सर। सो शैल आई मूव? यस सर, यस सर। ओ
Okay. Now see this next question. To conduct sports day activities in your rectangular shaped school ground ABCD. देखो आपको एबीसीडी दिख रहा है बेटा, वो स्कूल का ग्राउंड है जो बहुत टाइम से आपने नहीं देखा होगा, इसलिए मैंने आज आपको दिखा दिया। ये स्कूल का ग्राउंड है। हाँ, बराबर। वो सर, थैंक यू सो मच। या एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा बेटा इसका, बाद में समझ लेंगे। हाँ, बराबर बराबर। लाइंस हैव बीन ड्रॉन विद द चॉक पाउडर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच। देखो ये सारी ना लाइन मारी है स्कूल वालों ने। देखो ये किसको बेटा, ग्राउंड पे लाइन ड्रॉ की। सर ग्राउंड पे लाइन मारे ना। हाँ देखो ये सारी लाइन, दिस ऑल आर वन, और इसका जो डिस्टेंस रखा है ना 1 मीटर का डिस्टेंस पे उन्होंने लाइंस ड्रॉ की है। 100 फ्लावर पॉट्स हैव बीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। देखो ये फ्लावर पॉट्स है, 1 2 3 ऐसे करके 100, इतने 100 है नहीं बट इसमें बताया है कैसे 100 फ्लावर पॉट्स है, और ये जो फ्लावर पॉट्स है ना उनका डिस्टेंस भी कितना है 1 1 मीटर, बराबर एज शोन इन द फिगर। ठीक है, निहारिका रन्स 1/4 ऑफ द डिस्टेंस एडी। अब मुझे ये बताओ 100 फ्लावर पॉट्स है ये एडी पे, तो एडी का टोटल डिस्टेंस 100 मीटर होगा, टेल मी यस और नो। हाँ, यस यस सर, 100 मीटर होगा। यस, अब ये जो निहारिका है, निहारिका रन्स 1/4 द डिस्टेंस ऑफ एडी, तो निहारिका ने कितने मीटर का रनिंग किया होगा? 25। तो इसको ना, इसको अपने समझ लेते हैं, ये कौन है निहारिका यहां पर। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं ये वाला जो पॉइंट है, देखो ये लाइन कौन सी है उसकी 2, और यहां पर ये 25, तो इसके कोऑर्डिनेट्स में 0 25 लिख सकता हूं, सोच के बताना। यस सर, यस सर। अगेन आई एम आस्किंग, जीरो लिसन जिस नहीं, अरे सर नो, 2 10 2 जिसको समझ में आ गया वो लोग कुछ नहीं बोलना। ये जो मैंने 225 लिखा इसमें किसी को डाउट है वो बोलेगा सिर्फ, जिसको समझ में आया वो कुछ नहीं बोलेगा। जिसको वो डाउट है कि सर ये 225 आपने कैसे लिखा, वो ही बोलेगा, उसको मैं समझाऊंगा। मैं समझा देता हूं क्योंकि शर्माते सब बोलने। देखो ये जो निहारिका, ये जो लड़की दिख रही है ना बेटा, जो मैंने अभी उसका सर लाल कलर का कर दिया है, निहारिका रन्स 1/4 द डिस्टेंस ऑफ एडी। अब एडी का टोटल डिस्टेंस 100 मीटर है, बिकॉज 100 फ्लावर पॉट से एक एक मीटर के डिस्टेंस पे 1/4, मतलब ये जो पॉइंट है ना ये क्या हो जाएगा 25, तो ये अपना y एक्सिस का कोऑर्डिनेट 25 और x का कोऑर्डिनेट 2। फिर एंड ऑन द सेकेंड लाइन, ठीक है, एंड पोस्ट अ ग्रीन फ्लैग, और यहां पर ये जो फ्लैग है ना वो ग्रीन कलर का है, ठीक है। फिर दूसरी, प्रीत रन्स 1/5 ऑफ द डिस्टेंस, तो ये अपनी प्रीत है, अपनी मतलब प्रीत है। हाँ, अब प्रीत ने कितना डिस्टेंस कवर किया है 1/5, तो बोलो ये 1/5 कितना होगा? 20 मीटर। तो उसका देखो x का 8 लाइन पे है, 8/20 सर, 8/20 यस 8.20 बेटा, ये 8/20 सबको पता चला? यस 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 सर। ओके, और उसने पोस्ट और रेड फ्लैग, उसने ग्रीन फ्लैग गाड़ दिया और इसने रेड फ्लैग ऐसे पोस्ट किया। हाँ, अब
व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द बोथ द फ्लेक्स. अब ये दोनों फ्लेक्स का क्या फाइंड करना है हमको, डिस्टेंस. अब ध्यान से सुनना, यहां पर ग्रीन फ्लैग है और वहां पर रेड फ्लैग है. उनके सर पे नहीं डाला है बट जस्ट ऐसे बता रहा हूं. तो ये दो पॉइंट्स का डिस्टेंस हमें फाइंड करना है. ये समझ में आया? यस सर. यस यस. कौन से फॉर्मूला से फाइंड करोगे ये दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस? डिस्टेंस फॉर्मूला. डिस्टेंस फॉर्मूला. डिस्टेंस फॉर्मूला. डिस्टेंस वाली. मैं एक्स वन माइनस वाई. हाँ, मैंने फॉर्मूला नहीं पूछा, मैंने बोला कौन सा फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला. राइट. तो एक क्वेश्चन हमें मिल जाएगा, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लेक्स. दूसरा क्या लिखा है, इफ द रश्मि, ये तीसरी आई, हैज टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे. एग्जैक्टली हाफ वे समझते हो ना बेटा आप लोग? एग्जैक्टली हाफ वे मतलब बीच के जगह पे. अब एग्जैक्टली मिडल में अगर सपोज आपको पॉइंट फाइंड करना है, बोलो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे, सोच के बताना. मिड पॉइंट फॉर्मूला. मिड पॉइंट फॉर्मूला. लिसन, मिड पॉइंट फॉर्मूला इज अ पार्ट ऑफ सेक्शन फॉर्मूला, बट सेक्शन फॉर्मूला की जरूरत नहीं है, मिड पॉइंट फॉर्मूला से हो जाएगा. बराबर, क्लियर हुआ बेटा? मिड पॉइंट आएगा ये. यस सर. देखो ऐसे ही मैं लेबल्स दे देता हूं, जैसे ये हो गया. एक काम करो, मैं एक फिगर ही ड्रॉ कर देता हूं तो आपको ज्यादा पता चले. एक लाइन बना देता हूं. सर कर दी. हाँ बेटा, मुझे लाइन बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, आपके जितना एक्सपर्ट नहीं हूँ, सो जस्ट वेट. पढ़ किसको? क्या सर आपसे सीखे हम? बी सर आपसे सीखे. सी. अब देखो ये जो ए है उसके कोऑर्डिनेट्स ले लू 225, बी के कोऑर्डिनेट्स ले लू 8 और 20, और सी आई डोंट नो तो उसको लिख देता हूं एक्स और वाई. हमें दो चीज फाइंड करनी है, द डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस के लिए हम ए बी का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, और एक्स वाई के लिए मिड पॉइंट. तो लेट अस फाइंड. सर पर हमें एक्स तो पता है ना, तो हम एक्स तो लिख सकते हैं ना सी की पॉइंट पे. कौन सा एक्स पता है? कैसे पता है हमें एक्स? सर टू और एट के बीच में सर हमें एक्स की बेटा, वो पता है बाय. तो वो भी कैसे फाइंड किया, एट और टू के बीच में, फिर डिवाइडेड बाय टू ही करके ही फाइंड करेंगे ना, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला से ही फाइंड करेंगे ना. हाँ सर, मतलब लिख सकते हैं. हाँ लिख सकते हैं डायरेक्टली, बट अल्टीमेटली आपको प्रूव तो करना पड़ेगा ना कि आपने फाइंड कैसे किया. तो एट प्लस टू डिवाइडेड बाय टू, सो दैट इज नथिंग बट एक्स वन डिवाइडेड बाय टू. ओके, डिस्टेंस फॉर्मूला. मैं फॉर्मूला नहीं लिखता हूं, डायरेक्टली लिखता हूं. तो देखो 8 और 2 का डिफरेंस 4 होगा, सॉरी 6 होगा, और 20 और 25 का डिफरेंस होगा 5. सो ये हो जाएगा 36 प्लस 25. 36 प्लस 25 कितना होगा? 61. सो द डिस्टेंस बिटवीन रेड फ्लैग एंड ग्रीन फ्लैग इज रूट 61. ऐसा लास्ट में लिख देना आपको. अब मैं कोऑर्डिनेट्स किसके फाइंड करता हूं? सी. कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करूंगा? मिड पॉइंट. तो इसको x1 मान, y1 मान लू, और इसको मान लू x2 y2. अब x1 होगा 2, तो पहले लिख देता हूं. तो देखो x1 इज व्हाट 2 एंड x2 इज व्हाट 8, डायरेक्टली लिख देता हूं. 8 प्लस 2 10, एंड 10 बाय 2 5. y1 25 plus 20, 25 plus 20, 45. 22.5.
बराबर। अब ये किस चीज का आंसर आया कि ये जो रश्मि है उसने कहां पर वो फ्लैग लगाया, हेंस द डिस्टेंस बिटवीन रेड एंड ग्रीन फ्लैग इज रूट 61 मीटर, क्योंकि सारी वैल्यूज मीटर में है। और ये जो हमने फाइंड किया ये किसका कोऑर्डिनेट्स फाइंड किया जहां पर वो रश्मि ने फ्लैग, ब्लू फ्लैग, तो रश्मि हैज पोस्टेड ब्लू फ्लैग ऑन फिफ्थ लाइन एट डिस्टेंस ऑफ 22.5 मीटर। फिफ्थ लाइन क्यों लिखा मैंने बेटा, बिकॉज एक्स का कोऑर्डिनेट 5 है तो वो फिफ्थ लाइन होगा और डिस्टेंस जो टोटल है वो 22.5 जो वाई का कोऑर्डिनेट है। लिख दो बेटा। सर डन 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 क्लियर सबका? किसी को डाउट बेटा कुछ भी? नो डाउट सर। नो सर। सो आगे का क्वेश्चन पे जाऊं? यस यस ओके। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स -3 and 10 एंड 6 - 8 डिवाइड बाय -1/6। ओके अब एक काम करो, मैंने आपको जो वो फॉर्मूला लिखवाया है वो वाला पेज ओपन करो फटाफट और उसमें वापस लिखो सेक्शन फॉर्मूला और ब्रैकेट में लिखना 2 find ratio। इतना लिखो फिर मैं समझाता हूं इसका मतलब। लिख दिया। अब ध्यान से सुनो एक चीज, मैंने आपको इससे पहले सेक्शन फॉर्मूला समझाया, लिखना नहीं कुछ भी। हाँ मैंने आपको ऐसा एक्सप्लेन किया कि सपोज मान लो एक लाइन है, लेट्स से ए बी, और कोई एक पॉइंट उसको सर्टेन रेशियो में डिवाइड करता है, सपोज 2:1। तो मैंने आपको ऐसा समझाया कि ये हो जाएगा एक्स वन वाई वन इसके कोऑर्डिनेट्स, इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे एक्स टू वाई टू, और जो पॉइंट है जो डिवाइड कर रहा है उसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे एक्स वाई, एंड दिस वुड बी एम वन एंड दिस वुड बी एम टू। ये आपको पता है, ये मैंने समझाया है ऑलरेडी। यस सर। बराबर। यस। फिर मैंने जो फॉर्मूला लिखवाया आपको वो किस चीज का फॉर्मूला लिखवाया मैंने, कि अगर आपको एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, सो ये वाला फॉर्मूला कब अप्लाई करना, व्हेन वी नीड टू फाइंड आउट कोऑर्डिनेट्स। बट सम टाइम क्या होता है, हमारे पास कोऑर्डिनेट्स है बट वी डोंट नो द रेशियो। जैसे यहां पर रेशियो कौन सा है ये बताओ, ये वाले एग्जाम्पल में रेशियो क्या है? 2:1 बराबर। अब सपोज मान लो मैं आपको ऐसा बताऊं कि मुझे ना ये एक्स वाई है ना इसके कोऑर्डिनेट्स पता है बट आई डोंट नो द रेशियो, तो ये फॉर्मूला नहीं अप्लाई करना। ये फॉर्मूला अप्लाई करके आपको आंसर मिल जाएगा
बट वो काफी लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। तो जब आपको कोऑर्डिनेट्स पता हो और अगर रेशियो फाइंड करना हो तो दूसरा फॉर्मूला होता है। समझ में आया मैंने क्या समझाया आपको डिफरेंस? यस सर। यस यस। दिस m1 एंड m2 ये वाला फॉर्मूला कब अप्लाई करना? व्हेन वी हैव टू फाइंड आउट कोऑर्डिनेट्स एंड रेशियो इज गिवन। अब जो मैं समझाऊंगा वो उस चीज का फॉर्मूला है कि व्हेन वी नो द कोऑर्डिनेट्स बट वी हैव टू फाइंड द रेशियो, और वो फॉर्मूला लिखो। इसलिए देखो मैंने ब्रैकेट में आपको लिखवाया है टू फाइंड आउट रेशियो, तो उसका रेशियो का फॉर्मूला है x इज इक्वल टू, मैं कुछ लाइन वाइन ड्रॉ नहीं करता हूं, के एक्स टू प्लस एक्स वन डिवाइडेड बाय के प्लस वन, और जो k का वैल्यू आएगा ना वो अपने आप में रेशियो हो जाएगा, वेर k इज इक्वल टू रेशियो। और इसका दूसरा अल्टरनेट फॉर्मूला है जहां पर हम y का यूज करेंगे, के वाई टू प्लस वाई वन डिवाइडेड बाय के प्लस वन। लिख दो इतना, सॉल्व कराऊंगा सर तो ज्यादा पता चलेगा। सर फिनिश फिनिश बेटा सबका? यस ओके फिनिश। अब समझो सुनो, सपोज आपने ये फॉर्मूला अप्लाई किया और सपोज k का वैल्यू आया 2/3, तो बोलो रेशियो क्या होगा? 2:3। सपोज आपका k का वैल्यू आया लेट से 3, तो रेशियो क्या होगा? 3:1। मतलब चला ना बेटा, 3 मतलब क्या होता है? 3/1, तो 3:1। ओके बस यही पूछना है। अब ध्यान दो, ये वाला क्वेश्चन पढ़ो, फाइंड द रेशियो। क्या फाइंड करना है हमें? रेशियो। अभी मैंने समझाया कि रेशियो फाइंड करना हो तो देखो दिमाग में क्या याद रखना, कि रेशियो फाइंड करना हो तो के वाला फॉर्मूला, और अगर कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना हो तो m1 m2 वाला फॉर्मूला। तो सिंपली मैं एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करके आपको समझा देता हूं। फाइंड द रेशियो विच रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ये दो पॉइंट्स को ज्वाइन करती है। जैसे ये ले लू a, ये b, a के कोऑर्डिनेट्स कंसीडर करेंगे -3, 10, और b के कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा 6 और -8, विच डिवाइडेड बाय कौन से पॉइंट उसको डिवाइड कर रहा है? -1, 6, तो यहां पर c, और इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे -1 और 6। तो देखो सारे कोऑर्डिनेट्स पता है, मिसिंग क्या है? रेशियो। बराबर अब देखो इससे मैं कंसीडर